ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। दंतेवाड़ा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार ओजस्वी मंडावी ने आज नामांकन पत्र दाखिल किया। राज्य में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची में नाम जोड़ने, सुधारने और हटाने के संबंध में लोगों से दावा आपत्ति 6 से 16 सितंबर तक ली जाएंगी। इसी तरह पंचायत चुनाव के लिए 27 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच दावा आपत्ति प्राप्त की जाएगी। झीरम घाटी हमले की एसआईटी के जरिए दोबारा जांच की मांग को लेकर बिलासपुर उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने केंद्र सरकार, एनआईए और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। और पूरे देश सहित प्रदेश भर में आज गणेश चतुर्थी का पर्व श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। दंतेवाड़ा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दिवंगत भीमा मंडावी की पत्नी ओजस्वी मंडावी को अपना उम्मीदवार बनाया है। श्रीमती मंडावी ने आज दंतेवाड़ा कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन पत्र जमा किया। इस दौरान भाजपा के अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने देवती कर्मा, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने सुमित कर्मा, सीपीआई ने भीमसेन मंडावी और बहुजन समाज पार्टी ने केशव नेताम को अपना उम्मीदवार बनाया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित निर्वाचन कार्यक्रम के मुताबिक परसों 4 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। 5 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। वहीं 7 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 23 सितंबर को सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। राज्य में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची में नाम जोड़ने, सुधारने और हटाने के संबंध में लोगों से दावा आपत्ति 6 से 16 सितंबर तक ली जाएंगी। इसी तरह पंचायत चुनाव के लिए 27 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच दावा आपत्ति प्राप्त की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकर राम सिंह ने बताया कि इस अवधि में प्राकृतिक अधिकारी कलेक्ट्रेट द्वारा तय किए गए स्थान पर उपस्थित रहकर लोगों से दावे आपत्ति प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे अपना नाम अपने वार्ड की मतदाता सूची में अवश्य जांच लें और किसी प्रकार की त्रुटि होने पर उसमें सुधार करा लें। उन्होंने कहा कि यदि कोई नागरिक यह पाता है कि निर्वाचक नामावली में उसका नाम दर्ज नहीं है या दूसरे वार्ड में दर्ज है तो वह अपना नाम ठीक स्थान पर दर्ज करा सकता है। झीरम घाटी हमले की एसआईटी के जरिए दोबारा जांच की मांग को लेकर बिलासपुर उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने केंद्र सरकार, एनआईए और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। यह याचिका विवेक बाजपेयी और दौलत रोहड़ा ने दायर की थी। मुख्य न्यायाधीश पीआर मेनन की खंडपीठ में इस मामले की अगली सुनवाई अब 24 सितंबर को होगी। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में एनआईए की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा है कि एनआईए अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर काम कर रहा है। उनका कहना है कि एनआईए ने न्यायालय में जो चार्जशीट पेश की है उसमें बड़े माओवादी नेताओं के नाम शामिल नहीं हैं। गौरतलब है कि 25 मई 2013 को हुए झीरम घाटी हमले में 30 से अधिक लोगों की माओवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस संबंध में तत्कालीन राज्य सरकार ने वर्ष 2016 में सीबीआई जांच की मांग की थी, जिससे केंद्र सरकार ने इंकार कर दिया था। दंतेवाड़ा जिले में पुलिस ने माओवादियों की मदद करने के आरोपी 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 50 डेटोनेटर बरामद किए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार ये सभी आंध्र प्रदेश से एक बस में सवार होकर कटे कल्याण जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने पूछताछ के बाद माओवादियों से संबंध होने के संदेह के आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया। इसी जिले के बारसूर इलाके में पुलिस ने 2 जनमिलिशिया सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने 7 धारा जाने वाले इलाके में घेराबंदी कर इन्हें पकड़ा। गिरफ्तार माओवादियों के पास से बैनर पोस्टर के साथ दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई है। वहीं बीजापुर जिले के कुटूर थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने 1 लाख रुपए के इनामी वारंटी माओवादी को गिरफ्तार किया है।
भिलाई इस्पात संयंत्र में करीब 19 साल पहले फर्जी अंकसूची के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति देने के मामले में एक निजी इस्पात संयंत्र के संचालक और भिलाई इस्पात संयंत्र के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी सहित 4 अधिकारियों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। उन्हें 24 सितंबर को न्यायालय में पेश होकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। पूरे देश सहित प्रदेश भर में आज गणेश चतुर्थी का पर्व श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बुद्धि विवेक और सौभाग्य समृद्धि के प्रतीक गणपति का 10 दिन का उत्सव आज से शुरू होकर चतुर्दशी पर संपन्न होता है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में घरों और सार्वजनिक पंडालों में भगवान गणेश की आकर्षक मूर्तियां स्थापित की गई हैं। जगह जगह ढोल नगाड़ों के साथ गणेश प्रतिमाओं को पूजा पंडालों तक ले जाया गया। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गणेश उत्सव के मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि गणेश उत्सव हमारी सामाजिक समरसता का अच्छा उदाहरण है। रायगढ़ में आज से 35वां चक्रधर समारोह शुरू हो रहा है। यह समारोह रायगढ़ के महान संगीतज्ञ राजा चक्रधर सिंह की स्मृति में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब से कुछ देर में इस समारोह का शुभारंभ करेंगे। पेश है हमारे रायगढ़ संवाददाता की यह रिपोर्ट। गीत संगीत सुर ताल लय एवं घुंघरुओं की झंकार से सजे 35वें धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्व गणेश मेला एवं चक्रधर समारोह का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल द्वारा बस थोड़ी ही देर में संपन्न होगा। रायगढ़ के रामलीला मैदान का भव्य मंच और 3000 से अधिक दर्शकों की बैठक व्यवस्था के लिए बनाया पंडाल देश के ख्यातिलब्ध कलाकारों की प्रस्तुति हेतु सजकर तैयार है। आज प्रथम दिन कलागुरु वेदमणि सिंह ठाकुर एवं उनके ग्रुप द्वारा गणेश वंदना के साथ प्रारंभ यह समारोह कथक कलाकारा महुआ शंकर के चतुरंग राग मारवा तथा धमार ताल की प्रस्तुति के साथ परवान चढ़ेगा और अंत में सुप्रसिद्ध गजल एवं पार्श्व गायक मनहर उदास की मखमली आवाज के साथ यह कार्यक्रम संपन्न होगा। 2 सितंबर से 11 सितंबर तक चलने वाले इस समारोह में प्रतिदिन देश के कई ख्यातिलब्ध कलाकारों के प्रदर्शन को यूट्यूब एवं स्थानीय चैनल में सीधे प्रसारण की व्यवस्था की गई है। हीरा मोटवानी, आकाशवाणी समाचार, रायगढ़। चक्रधर समारोह के तहत 4 से 6 सितंबर तक कबड्डी और 7 तथा 8 सितंबर को कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन, रेडियो डायग्नोसिस, रेडियोग्राफी, डायलिसिस और ऑपरेशन थियेटर कक्ष का लोकार्पण किया। यहां पर 5 करोड़ रुपए की लागत से 128 स्लाइस क्षमता की सीटी स्कैन मशीन स्थापित की गई है। इस अवसर पर श्री सिंहदेव ने कहा कि अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन लगने से सरगुजा संभाग के लोगों को अब जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम खर्च में ही उनका इलाज संभव हो पाएगा। उन्होंने कहा कि बेहतर इलाज कराना सरकार की प्राथमिकता है। अब प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों में सीटी स्कैन मशीन लगाई जाएगी। उन्होंने जिला चिकित्सालय अंबिकापुर के महिला वार्ड में 5 लाख रुपए की लागत से शेड लगाने की घोषणा की। कबीरधाम जिले के आदिवासी बैगा बहुल बोडला पंडरिया कवर्धा और सहसपुर लोहारा की सभी ग्राम पंचायतों के हाट बाजारों में कल स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में पहुंचकर ग्रामीणों ने अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कराया। इन ग्रामीणों को निःशुल्क दवाइयां दी गईं। कलेक्टर अवनीश शरण ने बताया कि पूर्व से चिन्हांकित हाट बाजारों में स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं। यहां पर गर्भवती माताओं का पंजीयन, टीटी का टीका और आयरन की गोलियों का वितरण किया जा रहा है। इसके साथ ही शिविर में नवजात शिशुओं को भी सभी प्रकार के टीके लगाए जा रहे हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं। इधर जांजगीर चांपा जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। आंधी तूफान के कारण शहर के कई इलाकों में पेड़ गिरने और खंभे उखड़ने के कारण बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई है। टेमर गांव में पिछले 2 दिनों से बिजली नहीं होने के कारण ग्रामीण परेशान हैं। अब कुछ खबरें संक्षिप्त में। मुहर्रम माह के साथ ही मुस्लिमों के नए साल की शुरुआत आज से हो गई। इसके तहत राजधानी रायपुर सहित प्रदेश में 10 दिनों तक जिक्र शहदाय करबला का आयोजन किया जाएगा। निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में रिच याचिका दायर कर अपने सभी मामलों को सीबीआई को सौंपने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है।
मुंगेली जिले के जरहा गांव में बीती रात दो मोटरसाइकिलों के बीच हुई आपसी भिड़ंत में दो लोगों की मौत हो गई जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया है। और 19वीं राज्य शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता आज से महासमुंद में शुरू हुई। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर के 1000 से अधिक छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दंतेवाड़ा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार ओजस्वी मंडावी ने आज नामांकन पत्र दाखिल किया। राज्य में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची में नाम जोड़ने, सुधारने और हटाने के संबंध में लोगों से दावा आपत्ति 6 से 16 सितंबर तक ली जाएंगे। इसी तरह पंचायत चुनाव के लिए 27 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच दावा आपत्ति प्राप्त की जाएगी। झीरम घाटी हमले की एसआईटी के जरिए दोबारा जांच की मांग को लेकर बिलासपुर उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने केंद्र सरकार, एनआईए और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। और पूरे देश सहित प्रदेश भर में आज गणेश चतुर्थी का पर्व श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।